परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना वंदे अरहं वंदे गुरु वरम वंदे सचम। सभी को जय जिनेन, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। बंधुओं और बहनों, आज हमारे साथ पुणे से जाने माने इंटरनेशनल लेवल के मेडिटेशन ट्रेनर ज्योतिंदर जी जवेरी हमारे साथ जुड़े हैं और एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आज हम आपसे जुड़ रहे हैं, साइंटिफिक मेडिटेशन। मेडिटेशन के जो विज्ञान वैज्ञानिक जो आधार है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हमारे साथ अमरावती से राजू डांगे सर जुड़े हुए हैं। मैं राजू डांगे सर को निवेदन करना चाहूंगा कि आप ज्योतिंद्र जी जवेरी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करें। डांगे सर। ओके, धन्यवाद सर, आनंदमल सर। आज संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा के माध्यम से इस त्रिवेणी संगम के माध्यम से हर बुधवार गुरुवार को ज्वाइंट इवेंट होती है और दुनिया के अलग अलग ट्रेनर अपनी सेवाएं एक रिक्वेस्ट पे एक निःशुल्क हमारे यहाँ देते हैं। तो आज हम बहुत भाग्यशाली है कि ऐसे ही सुप्रसिद्ध ट्रेनर जो मेडिटेशन के एक्सपर्ट है, बहुत बढ़िया ट्रेनर है, और ऐसे पुणे से हमारे ज्योतिंद्र झवेरी सर, मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि सर्वप्रथम उनके लिए ताली बजा के हम उनका हार्दिक स्वागत करें। सर, यू आर वेलकम टू दिस सेशन। और हमारे जो आज के अतिथि ट्रेनर है वो साइंटिफिक मेडिटेशन ये विषय पे हमें मार्गदर्शन करने वाले है। ही इज एक्चुअली स्पेशलाइजिंग टीचिंग मेडिटेशन फ्रॉम अ साइंटिफिक पॉइंट, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमें ये पढ़ाएंगे और खुद अनेक सालों से ये टॉपिक पढ़ाते हैं। इसके साथ ये प्रेक्षा ध्यान के जो टेक्निक है ये इस पे एक्चुअली बेस है। ही इज प्रैक्टिसिंग टीचिंग मेडिटेशन फॉर ओवर 17 ईयर्स। ही हैज कंडक्टेड मेनी ट्रेनिंग सेशन स्पेशली फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। He is referred by medical doctors from the USA for patient to the treat by meditation. He has treated online hundreds of the people from the USA, UAE and India. It is proven that meditation can treat many psychosomatic disorders. Jyotindra has perfected an 11-step method to do meditation that include Kistor, लेशा ध्यान, कायल सर एंड अनुप्रेक्षा ध्यान। अलग अलग देशों से उन्होंने भ्रमण किए, अनेक सारे देशों में उन्होंने भ्रमण किया है और मेडिटेशन के बारे में मार्गदर्शन भी किया है। और इसी के साथ स्पेशली हमारे लिए बहुत अच्छी है और खुशी की बात है कि ज्योतिंद्र सर जो है उन्हें माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर है बिल गेट्स, उन्होंने मुंबई में इन्वाइट किया था। उनकी मुलाकात 1997 में, वो प्रेसिडेंट है रोटरी क्लब ऑफ पुणे कैंप और बहुत ही अच्छे सुंदर ज्ञानी ट्रेनर है। हम बहुत भाग्यशाली है कि इनके द्वारा हमें मार्गदर्शन मिलने वाला है जो जीवन में बहुत हमारे परिवर्तन ला सकता है। और बहुत सारे 9 बुक्स उन्होंने लिखे, ऐसे अनुभवी व्यक्तित्व आज हमें मार्गदर्शन करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका वेलकम सर। सभी साधकों का देश प्रदेश से जुड़े उनका भी इस त्रिवेणी संगम में हार्दिक स्वागत। इसी के साथ मैं सर को रिक्वेस्ट करता कि आज का सेशन वो कृपया शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहम। धन्यवाद डांगे सर। यस, पॉइंट ऑफ व्यू से, वैज्ञानिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात और समझ में आती है, क्योंकि आज की जनरेशन तो गूगल सर्च करेगी, तो हमें प्रमाण से बात करनी पड़ेगी। आई विल टॉक व्हाट मेडिकल डॉक्टर्स हैव बीन टॉकिंग
एंड प्रूवन इन अ लेबोरेटरी। फ्रेंड्स, एक निवेदन है, आपके पास अगर पेपर पेन है तो आप नोट कर लीजिए। अगर आप लिख लेते हो, कुछ टेक अवे होंगे और कुछ होमवर्क भी होगा। मित्रों, हम रिएक्ट करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम आता है ना तो रिएक्ट करते हैं। ये रिएक्शन को F&F रिएक्शन कहते हैं, फ्लाइट और फाइट। नोट डाउन, लड़ो या भागो। अगर कुछ चैलेंज बड़ी होती है, मानो आग लग गई, एक एग्जांपल है, एक्सट्रीम एग्जांपल, तो लोग कहेंगे भागो भागो आग लगी है। कुछ लोग कहेंगे पानी लाओ आग बुझानी है। लड़ो या भागो कंटिन्यूअस चलता रहता है। अवर ह्यूमन बॉडी इज डिजाइंड टू डू फ्लाइट एंड फाइट रिएक्शन। F&F चलता ही रहेगा। फायर इज अ एक्सट्रीम एग्जांपल, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें भी होती रहती है। ट्रैफिक में है, गाड़ी चला रहे हैं, somebody overtakes फ्रॉम लेफ्ट साइड, एकदम हमें गुस्सा आता है, चलाने को नहीं आता, ट्रैफिक डिसिप्लिन नहीं है। ये अंदर से अंदर ये स्ट्रेस डेवलप होता रहता है, क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी में एक जो नर्वस सिस्टम है उसके दो भाग है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जब कोई ट्रिगर होता है, कुछ चैलेंज आती है, तो हमारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ट्रिगर होती है ऑटोमेटिकली। दैट इज हाउ आवर बॉडी इज डिजाइन, हमारे शरीर की रचना है। और हमें लड़ो या भागो के लिए तैयार करती है, वी प्रिपेयर अवर बॉडी, क्योंकि हमें आंख बुझानी है तो एक्शन लेना पड़ेगा, भागना है तो भी एक्शन लेना पड़ेगा, और मसल को मूव करना पड़ेगा। देखिए, मसल को मूव करना है ना तो टेंशन चाहिए, नहीं तो मसल मूव नहीं होंगे। यू हैव टू टेंस टू मूव द मसल, ये ऑटोमेटिक होने वाला है। और एक जो मैं बताने जा रहा हूं, ये सीरियसली समझ लीजिए, हमारी जो नसें हैं, द ब्लड जहां से प्रवाह होता है, द ट्यूब, वो नसें सिकुड़ जाती है, रिड्यूसेस इन डायमीटर। नाउ यू नो, अगर ट्यूब में से प्रवाह कोई प्रवाही पास होता है तो प्रेशर ज्यादा देना पड़ेगा, अगर ट्यूब का डायमीटर कम हो जाता है। प्रेशर किसके ऊपर आता है? हार्ट। हार्ट इज अ पंप विच इज सर्कुलेटिंग ब्लड। हार्ट को बोला जाता है भैया फास्ट, हार्ट बीट बढ़ जाती है ना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हम लोग कहते हैं ना, उसको तो हाई बीपी की बीमारी है। अरे भैया, पूरा दिन टेंशन में रहते हो तो हाई बीपी की बीमारी हो जाएगी, क्योंकि पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ट्रिगर हो जाती है। एग्जैक्टली ऑपोजिट रिलैक्सेशन। हमें रिलैक्सेशन भी सीख लेना चाहिए। ध्यान में कई स्टेप्स है, वन ऑफ द स्टेप्स इज रिलैक्सेशन। आई वुड से कंप्लीट रिलैक्सेशन विथ फुल अवेयरनेस मतलब पूरी तरह जागरूकता के साथ हम शिथिल हो जाएंगे। पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है कि हमारी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाए, the blood vessels comes normal diameter, it's an elastic wall, blood pressure एकदम normal हो जाता है और हम relax हो जाते हैं।
इससे क्या फायदा होगा, इससे हमारा तनाव रिलीज हो जाएगा, हमें तनाव नहीं चाहिए। मानो आग बुझ गई है, आप एक सेफ जगह में बैठ गए हो, या आप आग बुझा दी है, अभी भी टेंशन में रहने की जरूरत है क्या? कुछ कुछ लोग पूरे दिन टेंशन में रहते हैं, ऑफिस का टेंशन घर में, घर में घर का टेंशन ऑफिस में। वी मस्ट लर्न टू ट्रिगर पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम टू रिलैक्स अवर बॉडी टू ड्रेन आउट टेंशन। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंशन, फिजिकल टेंशन, मेंटल टेंशन एंड इमोशनल टेंशन। ये भावात्मक तनाव जो है ना, ये शारीरिक तनाव और मानसिक तनाव से और भयंकर है। भावनाएं, मैं ये भी डिस्कस करूंगा भावनाएं कहां से आती है। पहले हम रिलैक्सेशन अच्छे से समझ लें। तो एक फायदा तो ये हो गया कि हमारे टेंशन रिलीज हो जाएंगे, हम रिलैक्स हो जाएंगे। लेकिन ये तो ग्रॉस बेनिफिट है, मतलब बाय प्रोडक्ट, फ्रिंज बेनिफिट जो कहते हैं ना। मेन क्या है, रिलैक्सेशन का मेन बेनिफिट, व्हाई डू वी रिलैक्स, व्हाई इट इज नेसेसरी टू प्रैक्टिस रिलैक्सेशन इन मेडिटेशन, ये बात आप ध्यान से नोट कर लो। रिलैक्सेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि when we relax, subconscious mind is available. जब हम पूरी तरह शिथिल हो जाते हैं तो अवचेतन मन की शक्ति हमारे पास सामने आती है। इसलिए रिलैक्सेशन करना बहुत जरूरी है। ध्यान जो करते हैं ना, वो सब अवचेतन मन की शक्ति को डेवलप करने के लिए करते हैं। तो अब जब रिलैक्स नहीं होंगे तो क्या ध्यान करेंगे? रिलैक्सेशन तो एक पूर्व तैयारी है, प्री रिक्विजिट। तो मैं चाहता हूं कि 10-15 मिनट रिलैक्सेशन जरूर करें, क्योंकि जब रिलैक्स होता है तो हमारी ब्रेन फ्रीक्वेंसी, द ब्रेन फ्रीक्वेंसी इज एट 7-14 साइकल्स पर सेकंड। फॉर्चुनेटली टुडे साइंस हैज कम फॉरवर्ड एंड इट इज प्रूवन दैट व्हेन यू आर रिलैक्सिंग, व्हेन यू आर मेडिटेटिंग, अवर ब्रेन फ्रीक्वेंसी इज एट अल्फा वेव। हम जब सो जाते हैं तो 3 या 4 CPS होता है, साइकल्स पर सेकंड। और जब टेंशन में होते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, गुस्सा होता है, तो 20 CPS, 25 CPS। लेकिन जब हम रिलैक्स होते हैं तो 7-14 साइकल्स पर सेकंड। दिस इज द ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी कॉल्ड अल्फा वेव। हम मेडिटेशन में अल्फा वेव में रहते हैं। और आज तो ईईजी इज अवेलेबल, आप ईईजी द्वारा मेजर भी कर सकते हैं। It's all very scientific. Next step is how to improve concentration, ekagrata. हम बोलते हैं ना, बात करते हैं तो भैया ध्यान से सुनो। ध्यान कैसे किया, वो किसी ने नहीं सिखाया। Beg your pardon, क्या बोला, जरा वापस बोलो, क्या हुआ था? मन इधर उधर भटकता है। कुछ आप समझो अखबार पढ़ रहे हो, किताब पढ़ रहे हो। अगर आप 1 घंटा किताब पढ़ रहे हो और 30 मिनट मन इधर उधर भटकता है, व्हाट इज द एफिशिएंसी? 50%। डू यू वांट टू वर्क विथ 50% एफिशिएंसी? हम सब चाहते हैं कि हम 100% एकदम कार्यक्षम रहे, लेकिन मन को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी
एकाग्रता बढ़ाने के लिए। मन कहां भटकता है? भूतकाल भविष्यकाल। 4 दिन पहले उसने मेरे को बोला था, वो याद आ जाता है। वर्तमान की क्रिया क्या चल रही है? मानो वर्तमान की क्रिया पढ़ने की चल रही है। 4 दिन पहले की बात याद आ जाती है, मेरा तो कोई गलती नहीं था, वैसा मैंने ऐसा क्यों डांट दिया, कल मैं ये करूंगा वो करूंगा, प्लानिंग फ्यूचर, पास्ट एंड फ्यूचर। हमें ये तालीम देनी पड़ेगी कि भैया वर्तमान में रहो। इंग्लिश में तो प्रेजेंट बोलते हैं, प्रेजेंट इज द बेस्ट प्रेजेंट। वर्तमान काल में जीना बहुत जरूरी है। एकाग्रता बढ़ाने के लिए हम श्वास का अवलंबन लेंगे, विल टेक हेल्प ऑफ ब्रीदिंग, बिकॉज ब्रीदिंग इज द ओनली फिनोमिना विच इज प्रेजेंट। कल मैं श्वास लेने को भूल गया था, अब 1-2-4 श्वास आज ले लेता हूं, ऐसा नहीं होता। अरे टुमोरो आई एम बिजी, कल का श्वास मैं आज ले लेता हूं, ऐसा नहीं होता। ब्रीदिंग इज ऑलवेज प्रेजेंट। ये स्टेप में हमें क्या करना है? ये स्टेप में हमें श्वास को देखना है, महसूस करना है, अनुभव करना है। ये स्टेप का नाम है श्वास प्रेक्षा। प्रेक्षा का मतलब है देखना। प्रेक्षक, प्रेक्षक ग्रह, ऑडियंस, ऑडिटोरियम को प्रेक्षक ग्रह बोलते हैं। प्रेक्षक का काम है प्रेक्षा करना। जब हम ध्यान करते हैं तो आंख बंद करके हम देखेंगे, मतलब अनुभव करेंगे। इन दिस स्टेप ऑल यू हैव टू डू इज एक्सपीरियंस द एयर कमिंग इन एंड गोइंग आउट। प्रत्येक इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को देखें, महसूस करें, अनुभव करें। मन को समझ में आएगा, भैया इसको प्रेजेंट बोलते हैं, हियर एंड नाउ। श्वास प्रेक्षा का प्रयोग एकाग्रता बढ़ाती है। और क्या होता है ये हमें एक बहुत फंडामेंटल कंसेप्ट में आज बताने जा रहा हूं। हमारे जो मन है ना, उसकी दो शक्ति है, पावर ऑफ थिंकिंग, विचार करने की शक्ति। सुबह से उठते हैं ना, विचार शुरू हो जाते हैं। और दूसरी शक्ति है पावर ऑफ परसेप्शन, अनुभव की शक्ति। जब हम अनुभव की शक्ति को काम लगाते हैं ना, थिंकिंग स्टॉप हो जाता है, विचार शून्यता। ध्यान इज ऑल अबाउट थॉटलेसनेस। इसे प्रैक्टिस से हम बढ़ा सकते हैं। All you have to do is experience the air coming in and going out. That's all. 15 minutes, 15 minutes. अगर हम श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करते हैं, perception of breathing, to develop the power of perception. This is a simple exercise, very effective. और ये जो मैं बातें बता रहा हूं कोई नई बात नहीं है। Hundreds of years back, it was written in different languages, Sanskrit, Prakrit, Arthamagdhi, Pali. और कुछ महापुरुष जैसे आचार्य श्री महाप्रज्ञ, गुरुदेव तुलसी, आचार्य श्री महाश्रमण, ये सब लैंग्वेजेस जानते थे, उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। एंड आई एम ब्लेस्ड, मेरा सौभाग्य है, माय ब्रदर एंड माय फादर ट्रांसलेटेड ऑल दिस इन इंग्लिश, दैट इज हाउ आई हैव इनहेरिटेड। देखिए हमें ये समझना पड़ेगा कि भावनाएं कहां से आती है, फ्रॉम वेयर इमोशन इज कमिंग। द नेक्स्ट टॉपिक इज इमोशनल मैनेजमेंट। एक तो हो गया रिलैक्सेशन, दूसरा हो गया परसेप्शन ऑफ ब्रीदिंग, श्वास प्रेक्षा। ये दो प्रीरिक्विजिट है, पूर्व तैयारी, ध्यान अभी शुरू नहीं हुआ। ये अगर हमने अच्छे से प्रैक्टिस किए तो ध्यान भी अच्छे से होगा। इसलिए
होमवर्क, एक 15 मिनट रिलैक्सेशन कर लो, एक 15 मिनट श्वास प्रेक्षा का प्रयोग कर लो, इंडिपेंडेंटली आइसोलेटेड एक्सरसाइज, कहीं भी कभी भी कर सकते हो, ट्रेन में बैठे हो, प्लेन में बैठे हो, एयरपोर्ट में गेट के पास बैठे हो, एक घंटा कुछ काम नहीं है, डू श्वास प्रेक्षा। नाक और श्वास तो हमेशा साथ में ही रहते हैं, घर में भूल नहीं आते, डू इट। हमारे शरीर की रचना हम थोड़ी समझ ले, अनलेस वी नो द फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ अवर बॉडी, हाउ यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस मेडिटेशन। टू अंडरस्टैंड मेडिटेशन वी मस्ट अंडरस्टैंड अवर ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर में कुछ सिस्टम्स है, फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वास लेते हैं लंग्स, द डायफ्राम मसल उदर पटल, डाइजेस्टिव सिस्टम स्टमक इंटेस्टाइन वगैरह, ऐसे कई सारी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट, ये सभी सिस्टम का नियंत्रण कौन करता है, विच इज द कंट्रोलिंग सिस्टम ऑफ ऑल दिस सिस्टम? नो, इट इज नॉट ब्रेन सुचिता जी, द नेम ऑफ द सिस्टम इज एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल्स ऑल अदर सिस्टम इंक्लूडिंग इमोशंस। भावनाएं कहां से आती है, ऐसा फिजियोलॉजिकल फिनोमिना। नॉर्मली व्हेन आई आस्क दिस क्वेश्चन लोग बोलते हैं दिल से आती है, अरे हार्ट इज अ पंप, उसका और कोई काम नहीं है, मन से आती है। भैया मन इज अ रिजल्ट ऑफ इमोशन, ये कंसेप्ट समझना जरूरी है। मन वचन काया, हम कोई यू नो मोटिवेशनल स्पीकर होता है ना, पॉजिटिव थिंकिंग करो, निगेटिव थिंकिंग मत करो, अच्छा अच्छा भाषण देते हैं, लेकिन विचार आना ये परिणाम है, कारण नहीं, कारण इमोशन है। अगर इमोशन पॉजिटिव होंगे तो विचार भी पॉजिटिव आएंगे, बोलना भाषा स्पीच वो भी पॉजिटिव आएगी, और कार्य एक्शन। मन वचन काया इज अ रिजल्ट ऑफ इमोशन, मेन रूट ऑफ द प्रॉब्लम। अगर हमने इमोशन मैनेजमेंट कर लिया तो बाकी सब चीजें ठीक हो जाएगी, स्वास्थ्य तो ठीक होगा ही। कौन से इमोशन की हम बात कर रहे हैं? एंगर, एंगर इज एन इमोशन, मुझे भी गुस्सा आता है। इफ यू आस्क माय वाइफ जयश्री, बोलता है बहुत गुस्सा करता है। ये गुस्सा एक भावना है, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष, ये सभी निगेटिव इमोशन हमारी एड्रिनल ग्लैंड से आते हैं। एड्रिनल ग्लैंड, एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डक्टलेस ग्लैंड। ये जो हमारी एंडोक्राइन सिस्टम है ये अंतःस्रावी ग्रंथियों से बनी हुई है। Here is where we must understand the science point of view of meditation. अगर हम कोई डॉक्टर को पूछे तो बोलेगा भैया ये तो हार्मोन का सब कमाल है, हार्मोन। ये हार्मोन कहां से सिक्रिट होते हैं ये अगर हम समझ लेते हैं तो हम इसको नियंत्रण भी कर पाएंगे। Let me share my screen. मेरा स्क्रीन दिख रहा है? दिख रहा है। थैंक यू। हमारे शरीर में नीचे की तरफ नाभि के पास में सेक्स ग्लैंड्स है, गोनाड्स, उसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है, राइट किडनी के ऊपर राइट एड्रिनल, लेफ्ट किडनी के ऊपर लेफ्ट एड्रिनल। एड्रिनल से अगर एंगर का हार्मोन गुस्से वाला सिक्रिट हो गया ना,
वो आदमी को गुस्सा आता ही है, भले कितना पढ़ा लिखा हो, पीएचडी एमबीए किया हो। ये बात अगर हमको समझ में आती है तो ये भी आपका प्रश्न होगा, इसको कंट्रोल कैसे करें। देखिए, इसका मैनेजर यहां बैठा है, थाइमस ग्लैंड, सेंटर ऑफ द चेस्ट। आंख बंद करके आपको यहां ध्यान करना है, चित्त को यहां केंद्रित करो, छाती के मध्य भाग में थाइमस ग्लैंड, आनंद केंद्र, थायराइड ग्लैंड, कंठ के पास, गर्दन के बीचों बीच, सेंटर ऑफ द नेक, थायराइड एंड पैराथायराइड। फ्रेंड्स, अगर थायराइड में हार्मोन गड़बड़ हो गया ना, तो व्यक्ति का स्वभाव भी गड़बड़ हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। अभी कोरोना काल में तो बहुत इम्यूनिटी की बात हो रही थी, थायराइड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर थायराइड का हार्मोन सही है, ये हमारा मैनेजर है और ये जनरल मैनेजर है। जनरल मैनेजर को बोलो, भैया जरा देखो कारखाने में क्या हो रहा है, एड्रिनाल और गोनाड्स को कंट्रोल करो। हमारे 90% एक्शन, स्पीच और थॉट कम्स फ्रॉम द लोअर ग्लैंड। इसको कंट्रोल में लाने के लिए हमें मैनेजर और जनरल मैनेजर को बुलाना पड़ेगा, थाइमस एंड थायराइड। लेकिन आपको पता है कारखाने में एक मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, सीईओ। इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर इज ऑलवेज वन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। पिट्यूटरी ग्लैंड सेंटर ऑफ द आईब्रोज, ये मैनेजिंग डायरेक्टर है। सेंटर ऑफ द फोरहेड, पिनियल ग्लैंड, ललाट के मध्य भाग में, ये चेयरमैन है। भैया, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर तो गोल्फ खेलने चले गए, वर्कर पे सब छोड़ दिया, कारखाना नहीं चलेगा, क्यूसी नहीं होगी, उत्पादन बरोबर नहीं होगा, डिलीवरी ठीक से नहीं होगी। ये सब गड़बड़ जो होता है, क्योंकि हमारे यहां पर मैनेजिंग डायरेक्टर सोया हुआ है। आंख बंद करके हमें यहां ध्यान केंद्रित करना है, इसको एक्टिवेट करो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड थर्ड आई, तीसरा नेत्र। ध्यान करते समय हम आंख बंद करके हमारा तीसरा नेत्र, थर्ड आई को एक्टिवेट करना चाहते हैं। मेडिटेशन इज ऑल अबाउट गेटिंग द कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी एंड पाइनियल ग्लैंड। यहां से जब हार्मोन सिक्रीट होते हैं, मेलेटोनिन, सेरेटोनिन, आई विल नॉट गो टू मच इन टेक्निकलिटी, टाइम भी कम है, लेकिन ये आप अच्छे से नोट कर लो। यू आस्क एनी मेडिकल डॉक्टर, इज द एंडोक्राइन सिस्टम, इज द हॉर्मोन्स विच कंट्रोल्स एवरीथिंग। आज तो हॉर्मोन सब आइडेंटिफाई हुए, हाँ ये हॉर्मोन एंगर का, ये हॉर्मोन आरोगंस का, ये हॉर्मोन डिप्रेशन का। अगर आपका पर्सनालिटी चेंज करना चाहते हो, व्यक्तित्व चेंज करना चाहते हो, तो मेडिटेशन द्वारा कर सकते हैं, हम हेल्दी रह सकते हैं, स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। कुछ बीमारी ऐसी होती है जो भावनाओं के कारण आती है, हमारे अवचेतन मन में कुछ भावनाएं ऐसी पड़ी रहती है, इसे हमें जागृत करना है, इसे हमें बाहर निकलना है, निकल देना है, रिलीज करना है। बचपन में स्कूल में कहीं किसी ने बोल दिया, तो ये हमें बहुत गहराई से समझना पड़ेगा कि इसके लिए कोई इंजेक्शन या औषध, इसके बजाय हम मेडिटेशन करें। इंस्टेड ऑफ मेडिकेशन वी डू मेडिटेशन, क्योंकि ये प्रूवन टेक्निक है, प्रूवन टेक्निक है। नेक्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट आई वुड से इट इज द फर्स्ट स्टेप। इतने सारे हमने स्टेप बताए, उसमें से पहला स्टेप कौन सा है? ध्यान शुरू करने से पहले फर्स्ट थिंग, व्हाट डू यू वांट टू डू? गोल, लक्ष्य। राइट डाउन योर गोल। आंख बंद करके ध्यान क्यों करना चाहते हो वो लिखो।
क्या हासिल करना चाहते हो, बी वेरी क्लियर इन योर माइंड व्हाई यू वांट टू डू मेडिटेशन एंड राइट स्मार्ट गोल, स्पेसिफिक, मेजरेबल, रियलिस्टिक, अचीवेबल एंड टाइम बाउंड, SMART, स्मार्ट गोल आप लिखो, भले दो दिन लगे, थोड़ा रिसर्च करो, मेंटर को पूछो, गुरु किसे बात करो, गोल अच्छी तरह से बना लो और क्या करना है, और उसकी एक मूवी बनानी है, वीडियो। एक गोल बनाने के बाद हम एक चलचित्र बनाएंगे और इसको हम माइंड स्क्रीन में प्रोजेक्ट करेंगे। ये स्टेप का नाम है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा, विजुअलाइजेशन एंड कंटेम्पलेशन। ये स्टेप में हम आंख बंद करके जो गोल है इसको हम प्रोजेक्ट करते हैं। ये मूवी दिखाएंगे किसको? अवचेतन मन को। When we are doing meditation, the subconscious mind is available, which is all powerful. It will ask you what you want. क्या चाहिए बोलो। आपका गोल अगर तैयार है, आप उसको बोलो भैया ये चाहिए मेरे को, तथास्तु, मिल जाएगा। आहा, गोल की प्राप्ति। क्योंकि बाद में हम ध्यान बंद कर दिया, आंखें खोल दी, हमारा जो कार्य कर रहे हैं कर रहे हैं, जो भी हमारा है दिनचर्या, इनर ड्राइव विल बी देयर, अंदर से एक शक्ति आएगी, ऐसे विचार आएंगे, ऐसे आइडियाज आएंगे, ऐसे लोगों के साथ आप मिलोगे, आपकी गोल की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि हमारे भीतर हमारी अवचेतन मन की शक्ति को हमने जागृत किया है, उसको बता दिया है ठीक से कि हमारी लक्ष्य क्या है। गोल कैन बी मेनी डिफरेंट टाइप्स। हेल्थ का गोल हो सकता है, मेरे को डायबिटीज निकालना है भैया, ये इंजेक्शन बहुत हो गया इंसुलिन के, नहीं चाहिए डायबिटीज, लिखो, राइट डाउन। आपको जो भी चाहिए, हेल्थ के गोल है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, रात को नींद नहीं आती, इंसोमेनिया, क्यों स्लीपिंग पिल लेके और एक केमिकल ले ले, देयर आर साइड रिएक्शन ऑफ दिस मेडिसिंस, क्यों ना हम मेडिटेशन द्वारा इसको ट्रीट करें। ये सब उपचार अवेलेबल है, इंटरनल डॉक्टर इज देयर, लेकिन आप तो बताना तो पड़ेगा क्या चाहिए। फोबिया, बिना कारण भय लगना, इरेशनल फियर इज अ बिग प्रॉब्लम। मेरे पास बहुत पेशेंट आए हैं कई तरह की बीमारियों लेके, हम तो जूम पे भी ट्रीट करते हैं और पर्सनली भी ट्रीट करते हैं। मित्रों, मेरा एक बहुत नम्र निवेदन है, माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज प्लीज लुक एट दिस ऑप्शन टू ट्रीट डिजीज। कोई बोलेगा भैया मैं तो स्वस्थ हूं, कोई बीमारी नहीं है, क्या ध्यान क्यों करो? यू कैन डू मेडिटेशन टू एक्वायर वर्च्यूज। फॉर एग्जाम्पल ESP, इंट्यूशन पावर बढ़ा सकते हो, इंट्यूशन पावर। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी एक वर्च्यू, एक पॉजिटिव, लाइक फॉर एग्जाम्पल पेशेंस, इंक्रीज योर पेशेंस। लीडर्स होते हैं ना, बहुत पेशेंट होते हैं, काम एंड कंपोज होते हैं, ऐसे लीडर चाहिए हमको। इंक्रीज योर विल पावर, एक दिन का उपवास करना है, विल पावर का, इसे विल पावर गेम, शरीर को तो पूरा दिन खाना नहीं चाहिए। आई हैव मेट पीपल 8-8 दिन उपवास करते हैं, मतलब 8 days फूड विल पावर। यू कैन इंक्रीज योर विल पावर, राइट दैट एज अ गोल। You see, all this is very important to understand. Step number one is writing the goal, making the movie, and in Anupreksha step, visualize that. I hope now concept is getting clear about meditation. Next step, ek aur hum baat samajh le. नेक्स्ट टॉपिक इज कलर मेडिटेशन।
लेशिया ध्यान, लेशिया ध्यान करने से हमारे भीतर की शक्ति हमें मिल जाती है, क्योंकि एक एक शक्ति है, इसको आभा मंडल कहते हैं, आभा मंडल, ओरा। एक आभा मंडल होता है, एक भा मंडल होता है, हमारे हेड के चारों ओर भा मंडल होता है। आपने देखा होगा कोई महापुरुष की तस्वीर, देयर आर यू नो सर्कल्स, व्हाइट सर्कल्स, दैट इज हैलो। सो वी विल टॉक अबाउट हैलो एंड ओरा, इट्स अ कलर। कलर हमारी जो आंखें हैं, हमारी जो चर्म चक्षु है, ये कुछ फ्रीक्वेंसी देख सकती है, वायोलेट देख सकती है, अल्ट्रा वायोलेट नहीं देख सकती, रेड देख सकती है, इंफ्रारेड नहीं देख सकती, बट ये है, देर आर कलर्स विच कैन बी सीन बाय किरलियन कैमेरा। अगेन द साइंस पॉइंट ऑफ व्यू, टुडे फॉर्चुनेटली डॉक्टर किरलियन इन्वेंटेड अ कैमेरा, उसका फोटो निकाला, ओरा दिखने लगा। यू कैन टेक अ पिक्चर ऑफ ओरा, यू कैन सी दीज कलर्स। These colors are the energy we are talking about. Lesya Dhyan is state of mind. Ek state of mind hai, violent. Nikhe? Ek state of mind hai, maitri aur prem. Hame violent se maitri ki taraf lana hai. Lesya Dhyan ke dwara. रंगों का ध्यान, फ्रेंड्स, देर आर सम कलर्स विच आर पॉजिटिव कलर्स, और ये कलर के द्वारा हम एक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। लेट मी शो यू विच आर द फाइव कलर्स। लेशिया ध्यान जब हम करते हैं तो कौन से पांच कलर का ध्यान करना है? वी आर टॉकिंग अबाउट ओरा, आभा मंडल, ग्रीन कलर, ब्राइट ग्रीन, हरे रंग का ध्यान करो, क्लोज योर आईज एंड विजुअलाइज ग्रीन कलर, वेरी पॉजिटिव कलर, पीकॉक ब्लू कलर, ऑरेंज, सूर्योदय का रंग होता है ना, अरुण कलर कहते हैं, ब्राइट ऑरेंज कलर, गोल्डन येलो, amazing effect it has, and finally white color, purnima ki chandra ki tarah safed rang, ye panch rang ko ka dhyan bahut zaruri hai, lesya dhyan ki baat kar raha hu, six prakar ki lesya hai, teen achhi hai, teen buri hai, will not go too much in detail because of time constraint, I have 5 minutes now, लेकिन ये थोड़ा मैं कंसेप्ट तो मैं जरूर बताना चाहता हूं। अगर हम ये बातें समझ ले और अच्छे से प्रयोग करें तो जरूर फायदा होगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये प्रूवन टेक्निक है, हजारों साल टाइम टेस्टेड। लेकिन आज क्या होता है, आज वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, यू नो, टेलीविजन, रेडियो, चारों ओर से सोशल मीडिया, फेसबुक, ये बॉम्बार्डमेंट हो रहा है। क्या बॉम्बार्डमेंट हो रहा है? ऊंचे लोग ऊंची पसंद, बड़े आदमी बनना है तो आपको गुटखा तो खाना ही पड़ेगा। स्टॉप ऑल दैट। आई कॉन्ग्रेचुलेट राजू सर, आई कॉन्ग्रेचुलेट आनंद बलजी सेठिया to organize such topic. Let us discuss this. Let us understand this. I'm in Pune. मेरा फोन नंबर मैंने मेरे नाम पे लिखा है, कभी भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप द्वारा। इसको डिस्कशन को हम जारी रखें। फाइनली एक मैं आपको सब जो स्टेप है ना वो एक बार रिवाइज कर लेना चाहता हूं, सो दैट वी आर क्लियर अबाउट द सीक्वेंस एंड द स्टेप्स। ठीक है, तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन सो दैट यू कैन नोट डाउन द स्टेप्स।
स्टेप नंबर वन गोल सेटिंग और मूवी, आपका लक्ष्य क्या है वो आप लिखिए और उसके मूवी बनाइए। स्ट्रेचिंग 3 बार ताड़ासन करना है, बम्बल बी साउंड, भ्रामरी प्राणायाम 7 times. स्टेप नंबर 5 श्वास प्रेक्षा परसेप्शन ऑफ ब्रीदिंग, कंसंट्रेशन बढ़ाना है। सो ये सब स्टेप्स मैंने जो बताए हैं, बिकॉज आई एम गोइंग लिटिल फास्ट, लेशिया ध्यान का मैंने बात किया। स्टेप नंबर 9 थेरापेटिक थिंकिंग, थेरापेटिक थिंकिंग है अनुप्रेक्षा। सो लाइक दिस वी कैन डू ऑल द स्टेप्स इन दिस सीक्वेंस। फाइनली रब योर हैंड्स, पुट इट इन योर आईज एंड बाउ टू द ट्रूथ, मतलब झुकना, झुकना भी जरूरी है, वंदना करनी है, सत्य को वंदना करनी है। टाइम तो अभी लगभग खत्म हो रहा है। आनंदमल जी, प्रैक्टिकल हमें करना है, 15 मिनट का ध्यान भी करना है। ओके, 10 से 15 मिनट का आप ध्यान करवा दीजिए, उसके बाद हमारा जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम रहेगा। ठीक है, ऑलराइट। आप अपने जगह पे प्लीज खड़े हो जाइए, प्लीज स्टैंड एंड स्ट्रेच, एक बार करते हैं क्योंकि थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट है। मेथड समझने की बात है, अंडरस्टैंड दी पद्धति समझ लो। खड़ा होके स्ट्रेच करना है, आकाश को छूने की कोशिश, अंगूठे पे अंगुलियों पे खड़े रह के लोअर योर हैंड। When you lower your hand, breathe out. When you raise your hand, breathe in. आप अपनी जगह पे बैठ जाइए। Right hand over left hand, अंगूठे मिले हुए, आसन ग्रहण कर ले। Neck and spine in the straight line. गर्दन झुकनी नहीं चाहिए, गर्दन और सुषुम्ना नाड़ी सीधी रेखा में। आंखें कोमलता से बंद। हम 3 बार अरहम ध्वनि का, अरहम श्वास भरना है, श्वास निकालते समय मुंह बंद करके करना है। ध्यान का अगला चरण है कायोत्सर्ग, रिलैक्सेशन। कॉन्सेंट्रेट योर माइंड ऑन द बिग टो ऑफ योर राइट फुट, गिव अ लविंग सजेशन टू रिलैक्स। दोनों पैर अंगूठे से कमर तक शिथिल कर दीजिए। विजिट ईच सेल, ईच मसल, प्रत्येक कोशिकाएं, स्नायु शिथिल हो रहे हैं। सोल, काफ मसल्स, नी जॉइंट, थाइस, बटक्स, वेस्ट जॉइंट, रिलैक्स, रिलैक्स। इसी तरह दोनों हाथ, दाया हाथ और बाया हाथ, हाथ के अंगूठे से कंधे तक। कॉन्सेंट्रेट योर माइंड ऑन द थंब ऑफ योर राइट हैंड, रिलैक्स। फिंगर्स, फिंगर नेल, फिंगर जॉइंट्स, रिलैक्स और ढीला छोड़ दो। एल्बो, रिलैक्स योर राइट शोल्डर जॉइंट, रिलैक्स, लूजन इट। रिलैक्स योर लेफ्ट हैंड,
रिलैक्स योर बैक मसल्स, पीठ के स्नायु रिलैक्स। रिलैक्स योर नेक मसल्स, गर्दन के स्नायु। कहीं कोई स्टिफनेस दिखे तो उसे प्रेम पूर्वक शिथिल करने का सुझाव दे। दिस मेथड इज कॉल्ड ऑटो सजेशन। स्वयं सूचना द्वारा पूरे शरीर को शिथिल करना है। रिलैक्स फेस मसल्स, कॉन्सेंट्रेट योर माइंड ऑन द चिन, दाढ़ी। अनक्लेंच योर टीथ, जड़बा खोल दे। लेट योर टंग गो लिंप इनसाइड द माउथ। रिलैक्स लोअर लिप, अपर लिप, होठ, गाल, नाक। रिलैक्स रिलैक्स चेहरे के स्नायु को रिलैक्स करें। आंखें, राइट आईज, आईब्रोज, आईलेशेस, आई लेंस। रिलैक्स लेफ्ट आई। रिलैक्स ears, right ear, left ear, forehead muscles, सारा शरीर शिथिल हो गया है। शांति का अनुभव। ध्यान का अगला चरण है श्वास प्रेक्षा। नाक के नथुनों में ध्यान केंद्रित करें, श्वास का अनुभव करें। कॉन्सेंट्रेट योर माइंड ऑन द नोस्ट्रिल। एक्सपीरियंस द एयर कमिंग इन एंड गोइंग आउट। बी अवेयर ऑफ ईच इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। केवल श्वास का अनुभव करना है, श्वास को देखना है, महसूस करो। पता लगाओ लेफ्ट या राइट, आप दाएं नथुने से या बाएं नथुने से आप ब्रीथ कर रहे हो, जो भी है अनुभव करो। कोई विचार आता है तो उसे भी देखें, रोकने की कोशिश मत करो। इफ अ थॉट कम्स, वॉच योर थॉट ऑल्सो, इट विल गो अवे, तो चला जाएगा। फिर एक बार श्वास प्रेक्षा का प्रयोग जारी रखें। प्रत्येक श्वास जानते हुए लेना है। नेक्स्ट अंतर यात्रा। सुषुम्ना नाड़ी के नीचे छोर में ध्यान केंद्रित करें। लोअर एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड नियर द टेल बोन। शक्ति केंद्र, शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र। सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से नीचे से ऊपर सर की चोटी तक, टॉप ऑफ द हेड यात्रा करनी है। अंतर यात्रा। द पाथ इज द स्पाइनल कॉर्ड, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड दैट इज सेंटर ऑफ पावर टू द टॉप ऑफ द हेड, सेंटर ऑफ नॉलेज, ज्ञान केंद्र। शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र, ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। अंतर यात्रा। सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से चित्त को यात्रा करनी है।
नेक्स्ट चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, छाती के मध्य भाग में चित्त को केंद्रित करें, नियर द हार्ट, आनंद केंद्र, सेंटर ऑफ द चेस्ट, कॉन्सेंट्रेट योर माइंड ऑन द सेंटर ऑफ द चेस्ट. वहां जो कोई चल रहा है, कोई कंपन प्रकंपन, ये देखने के महसूस करने की कोशिश करें. ट्राई टू फील एनी वाइब्रेशन, एनी सटल मूवमेंट, सेंटर ऑफ द चेस्ट, थाइमस ग्लैंड. लेशिया, रंगों का ध्यान, ग्रीन कलर. इमेजिन द एंटायर रूम इज फिल्ड विद ग्रीन कलर. कल्पना करो पूरा रूम ग्रीन कलर से भर गया है, क्लियर ग्रीन लाइट, शरीर के चारों ओर ग्रीन लाइट, क्लियर चमकता हुआ ग्रीन कलर, शरीर के अंदर बाहर हरा रंग, छाती के मध्य भाग में हरा रंग देखें, फोकस ग्रीन कलर इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट. हरे रंग की रश्मियां छाती के मध्य भाग से निकल के पूरे शरीर में फैल रही है. मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया है, गोल की प्राप्ति हो गई है, ऐसे हम महसूस करें, आनंद का अनुभव करें. आई हैव अचीव्ड माय गोल, वेरी गुड. एक चलचित्र देखे, लोग हमें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, अरे आपका स्वास्थ्य तो बहुत अच्छा दिख रहा है, यू लुक फिट एंड फाइन. डॉक्टर के साथ डायलॉग करें, डॉक्टर कहता है अभी औषध की भी जरूरत नहीं, टेस्ट रिपोर्ट ठीक आ गए हैं, आई फील एनर्जेटिक देन बिफोर, पहले से मेरी शक्ति बहुत बढ़ गई है, पूरा दिन अच्छे से कार्य हो रहा है. अनुप्रेक्षा, ग्रीन कलर, गोल है स्वास्थ्य अच्छा करना. कॉन्सेंट्रेट योर माइंड ऑन द टॉप ऑफ द हेड, सर की चोटी के भाग पे आप ध्यान केंद्रित करें, टॉप ऑफ द ब्रेन. सर की चोटी का भाग एकदम ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर का भाग को देखें. सी इफ देर इज एनी वाइब्रेशन, एनी मूवमेंट, एनी सटल मूवमेंट, एनीथिंग. सफेद रंग का ध्यान करना है, ऑलवेज एंड मेडिटेशन विथ व्हाइट कलर, विजुलाइज व्हाइट कलर, मानो पूरा रूम सफेद रंग से भर गया है, सफेद रंग की रश्मियां, क्लियर व्हाइट लाइट, लाइक फुल मून लाइट, पूर्णिमा की चंद्र की तरह शीतल चांदनी, सफेद रंग शरीर के चारों ओर, सफेद रंग, फोकस व्हाइट कलर ऑन टॉप ऑफ द ब्रेन. सर की चोटी का भाग ज्ञान केंद्र, सफेद रंग,
एक्सपीरियंस द पीस विद इन, शांति का अनुभव, मेरे सब आवेश और आवेग शांत हो रहे हैं, ऑल माय अर्जीज एंड इंपल्सेस आर गॉन, माय एनर्जी लेवल हैज इंक्रीज, I am sorry if I have hurt someone's feeling and I forgive if somebody has hurt my feelings. मैं क्षमा चाहता हूं किसी को मैंने दुख पहुंचाया है, किसी ने मेरी दिल की भावनाएं को ठेस दी है तो मैं उसे माफ करता हूं, सबके साथ मैत्री करता हूं। अपना सच में से जा में तिम हुए सुख पाए, स्वयं सत्य खोजे सबके साथ मैत्री करे। Please take two or three deep breaths and open your eyes with a smile on your face. दो तीन गहरे लंबे श्वास लेके एक अच्छी मुस्कुराहट के साथ आंखें खोले, ध्यान संपन्न करें। Please rub your hands and put it on your eyes three times. तीन बार आंख के ऊपर हाथ मल के रखना है। ओम अरहम। हाँ जी, कैसा लगा? बहुत शानदार, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने प्रैक्टिकल 15 मिनट का ध्यान जो कराया, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से आपने एक एक बात को क्लियर करते हुए समझाते हुए, अभी हमारा जिज्ञासा समाधान का समय रहेगा। कोई जिज्ञासा आपके मन में कोई प्रश्न हो, जो बातें हमने आज जानी इसके बारे में कोई जिज्ञासा हो तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मैं अभी हैंडराइज ऑप्शन, आप संगीता झवन ने हैंडराइज किया हुआ है। संगीता जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर। सर मुझे ये जानना था, हम अपना अटैचमेंट के वजह से इमोशंस में कभी क्रोध कभी टेंशंस ऐसे आते हैं, उसको हम कैसे दूर करें? जी, बहुत अच्छा और जरूरी प्रश्न है। ये क्रोध जब आते हैं तो इसे हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। ये कंट्रोल है यहाँ पर ध्यान करना है। क्रोध के लिए तो सफेद रंग का ध्यान बहुत जरूरी है, व्हाइट कलर प्रैक्टिस, व्हाइट कलर मेडिटेशन ऑन टॉप ऑफ द हेड। मैंने अभी एक क्विक डेमो किया, बहुत ही जल्दी से सब स्टेप किए। ऑल दी स्टेप्स टेक्स अबाउट 48 मिनट्स, 48 मिनट्स में करने हैं, बट जस्ट टू मेक श्योर द डेमोन्स्ट्रेशन। तो सफेद रंग का ध्यान करने से आपको जरूर फायदा होगा, लेकिन पहले रिलैक्सेशन और श्वास प्रक्रिया अच्छे से कर ले ताकि हम कॉन्सेंट्रेट कर सकें, है ना? Yes. और आपका जो गोल है वो भी लिखो, मूवी बनाओ, ताकि वो हमें सबकॉन्शियस माइंड को बता सके। ठीक है? ओके सर, थैंक यू सो मच। नाइस सेशन सर। यस डांगे सर। यस, बहुत ही सुंदर सेशन आज का हुआ है। हमारे ज्योतिन्द्र झवेरी सर जो पुणे से, और साइंटिफिक मेडिटेशन, तो उन्होंने जो कॉम्बिनेशन सब था उसमें स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक था, वैज्ञानिक था, और उनके बातों में बहुत सिंपलिसिटी थी।
इतना कंसेप्ट क्लियर था सर का कि बिल्कुल स्फटिक के समान, स्फटिक जैसा होता है उसी टाइप का उनका कंसेप्ट क्लियर था, बिल्कुल कौन-कौन से स्टेप से हमने जाना चाहिए। मेडिटेशन के बारे में बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है, अलग अलग स्टेप मिक्स करते हैं, लेकिन आपने जिस टाइप से बताया वो इजी टू डिफिकल्ट, इजी टू डिफिकल्ट, बहुत पहले सिंपल सिंपल बातें बताए और बहुत अंदर गहराई में लेके गए आप, और नॉट ओनली थियोरेटिकल, नॉट ओनली थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल। लास्ट 15 मिनट को मेरे तो उसमें से बाहर निकलने की इच्छा नहीं थी, इस टाइप की हमको अनुभूति आई, और अनुभूति ऐसी चीज है वी कांट एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ वर्ड, हम दुनिया के कोई शब्द उसे व्यक्त नहीं कर सकते, इस टाइप का हमें अनुभूति इस दरमियान आई है। सैल्यूट टू योर नॉलेज एंड जो आप काम कर रहे हैं बहुत सराहनीय है, और हम खुद को डेफिनेटली, और मैं बोलूंगा कि हम भाग्यशाली है कि आप जैसे टैलेंटेड लोग, समर्पित लोग हमारे योग वर्ग में आके सेवा देते हैं, और आप बिल गेट से मिले, इतने जो हस्ती है माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है उनसे मिले हैं, तो उससे ही पता चलता है कि इस व्यक्तिमत्व की ऊंचाई कितनी बड़ी होंगी। और हमारे देखो निःशुल्क सेवा, और जो इजीली हमें मराठी में बोला जाता है जे पिकते थी तो खपत नस्ते, जितना पिकते थी तो खपत नहीं, तो जहाँ पे उसका जो महत्व है बिल गेट्स को पता है, लेकिन हमारे अपने बाजू में रहने वाले को पता नहीं होता। लेकिन झवारी साहब एक, और उनका जो मैंने कांटेक्ट किया तो सर का बिल्कुल मेरी प्रोसेस क्या रहेंगी क्या रहेंगे, ये बहुत बड़ी ट्रेनर की पहचान है कि खुद समझ लेना कि किस टाइप का सेशन रहेगा, क्या होगा उसमें, तो ये बहुत बड़ा, और इससे लिए उन्होंने बहुत प्लान्ड सेशन आज का हो गया, और मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि बीइंग अ ट्रेनर और बीइंग अ साधक मुझे बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीजें आज मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, आपसे हमें टच में रहना बहुत अच्छा लगेगा, और बहुत ज्ञान आपके पास है, थैंक यू वेरी। और दूसरे हमारे अशोक जैन सर है, वो भी बहुत ज्ञानी व्यक्तित्व है, डॉक्टर है, 40 साल से वर्धा में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और बहुत उन्हें नॉट ओनली एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, स्पिरिचुअल सब नॉलेज है, तो वो भी स्क्रीन पे, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और जिन जिन साधक जुड़े हमारे देश प्रदेश से, और सर है रिकॉर्डिंग यूट्यूब के द्वारा दुनिया के हर कोने तक पहुंचते हैं हमारे ये तीनों संस्थाओं के माध्यम से, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आनंदमल सर आपको तो विशेष धन्यवाद देना चाहिए कि आप बिल्कुल हीरे ढूंढ के लाते हैं, कि एक एक चुन के लाते हैं, बीजीएस जो जैन संगठन है या अनेक जो हमारे ट्रेनर है बिल्कुल ढूंढ ढूंढ के आप लाते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल बिल्कुल सुंदर बात बताई आपने, डॉक्टर साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं वर्धा से, और मेरा सौभाग्य कि मुझे अभी कुछ ही दिन पहले उनसे मिलने का मौका मिला, उनका व्यक्तित्व इतना शानदार है, मैं डॉक्टर साहब आपसे निवेदन करना चाहूंगा जो आज जो हमने प्रैक्टिकल क्लास ली इसके बारे में, आप एज ए डॉक्टर साइंटिफिक आप इस बात को अच्छे से समझ पाओगे, आप तो दवा देते हो, दवा से ठीक करते हो, तो आज हमने बताया बिना दवा के कैसे ठीक हो सकते हैं, तो डॉक्टर से इसको अन्यथा ना ले प्लीज। मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप अपने दो शब्द बोलते हुए हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद आनंदमल जी, मैं आपको बहुत 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 ज्यादा धन्यवाद देता हूँ कि आपके कारण मुझे जितना भी मटेरियल मिलता है मैं पढ़ता रहता हूँ, और मैंने बहुत सारे लेक्चर्स को भी सुना, पर शायद ही कोई लेक्चर होता है जिसको मैं पूरा सुनता हूँ, क्योंकि उसके अंदर वो लोग कॉमन चीजें बताते हैं, पर आपने कॉमन चीजों को, रेयर चीजों को, आपने अल्फा वेव्स को, ये सारी वेव्स को इतने अच्छी तरह से समझाया कि मुझे ये पूरा एक साइंटिफिक वो लगा। आपने एक चीज बोली कि भाई लोगों ने मेडिटेशन के द्वारा ट्रीटमेंट करना चाहिए, पर प्रॉब्लम ये है कि यदि हम पेशेंट के साथ, मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, आधा घंटा लगाते हैं उसे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, पर पेशेंट उठते हुए बोलता ठीक है डॉक्टर साहब वो तो मैं करूंगा, पर आप ऐसा कीजिए दवाई लिख दी। बड़ी प्रॉब्लम होती है कि डॉक्टर साहब अभी तो आप दवाई लिख दीजिए मैं करूंगा, और आपने दूसरी बार भी उससे पूछा कि भाई मेडिटेशन किया, या मेरे पास, मैं बता रहा हूँ आपको फ्रेंकली, जैन या बौद्ध पेशेंट आते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ भाई यहाँ तो तुम्हारी लाइफ का, जीवन का सब कुछ सत्व ही मेडिटेशन अपने को है, और अपन नहीं मेडिटेशन करेंगे, आप नहीं मेडिटेशन करेंगे तो कौन करेगा?
पर सर किसी के सर पे जू नहीं रेंगती, किसी को भी 15 मिनट शांत बैठना कि सिर्फ हम श्वास पे ध्यान दे लें। तो ये कोई करना नहीं चाहता, फिर भी हमारी कोशिश ये रहती है। और दूसरे इसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि लोग अक्सर बोलते हैं कि हम वो साधु महात्मा के पास गए, उन्होंने एक कुड़ी दी, उन्होंने हमारी जबान पे कुछ लगाया और हम ठीक हो गए। तो ये कैसे ठीक होते हैं, इसका भी एक, ये जो आपने जवेरी साहब जो अल्फा वेव का बताया, जब हम अल्फा वेव में होते हैं तो हमारा दिमाग बहुत ज्यादा रिसेप्टिव होता है, और अल्फा वेव में जब कोई एक महापुरुष या संत या कोई भी हमारे दिमाग में एक इंटेंशन डाल देता है कि आपको ठीक होना है, अब आपने ये टीका लगाइए और आप ठीक होंगे, तो फिर शरीर के अंदर अपने आप ऑटोमेटिक चेंजेस आने लगते हैं, हमारा बिलीफ बनने लगता है और उसके कारण हम ठीक होने लगते हैं। तो ये चीज अल्फा वेव वाली जो आपने बताई, ये बहुत ही आवश्यक है और लोगों ने अल्फा वेव में जाने के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए, और ध्यान एक सबसे अच्छा तरीका है। दूसरी चीज जो मुझे आपके लेक्चर के बारे में, आपके वेबिनार के बारे में बहुत अच्छी लगी कि लोग सब अलग अलग बताते हैं कि भाई आप रिलैक्सेशन करो, ब्रेथ मेडिटेशन करो, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करो, चक्रों का ध्यान करो, कलर मेडिटेशन करो। आपने बहुत ही स्वीट एंड सिंपल तरीके से 15 मिनट में सब तरह के मेडिटेशन, सब तरह का पूरा आपने एक सर्कल 360 डिग्री का पूरा करा दिया। ये चीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, और ये चीज अब मुझे जब भी कहीं मौका मिलेगा मैं जरूर आपका सिस्टम फॉलो करूंगा। और जवेरी जी, मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आपका लेक्चर सुनने के बाद मेडिटेशन की मेरे लिए भूख बढ़ गई है, अभी मुझे लगता है कि मुझे और ज्ञान प्राप्त करना है जवेरी जी से। तो एक तो मैं आपके फोन नंबर पे जरूर आपको परेशान करूंगा, पूना आऊंगा तो मैं आपका बहुत सारा समय लूंगा, और आपको मैं इनवाइट करता हूं कि आप वर्धा आइए, मेरे गेस्ट बनिए, अपन एक दो दिन खूब इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और नहीं तो आप नागपुर आते हैं तो मुझे बताइए, मैं कैसे भी समय निकाल के नागपुर आपको मिलने आऊंगा। और मुझे एक और रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर यदि आपके पास कोई लिटरेचर है, आपने कोई पुस्तक लिखी है, आपके कोई आर्टिकल्स हैं या आपकी रिकॉर्डिंग्स हैं, तो प्लीज वो बताएं मुझे कहाँ उपलब्ध होंगी। यदि बुक्स हैं सेल के लिए तो मैं उन्हें परचेज करूंगा, आपके ऑडियो कैसेट्स हैं तो मैं वो सुनना चाहूंगा, क्योंकि आपने जो बताया वो बहुत ही सुंदर चीज है। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि ये मटेरियल आपने अभी तक राइटिंग में या रिकॉर्डिंग में नहीं किया है तो आप प्लीज कीजिए, दुनिया को इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है जवेरी जी, बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आप मुझे बताइए कि आपकी कुछ राइटिंग्स हैं या नहीं, तो आप बताइए, आपको इसको आप जरूर रिकॉर्ड। डॉक्टर अशोक, मैंने एक यूट्यूब वीडियो चैनल बनाई है, 100 वीडियोस, मैं आपको लिंक मैं शेयर करता हूँ आनंदमल जी से, आप भी मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर देना। आनंदमल जी सुपर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, मेरे पॉडकास्ट भी है, यूट्यूब वीडियो भी है, और ब्लॉग वेबसाइट काफी चीजें मेरी ऑनलाइन है, क्योंकि मेरा मेन अभी जो प्रोफेशन था वो मेरा कंप्यूटर का था, 47 ईयर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो मैंने इंटरनेट पे काफी चीजें रखी है। डॉक्टर अशोक बहुत बहुत धन्यवाद, मैं भी मिलना चाहूंगा, डेफिनेटली वी शुड मीट एंड डिस्कस एंड टेक दिस फॉरवर्ड। कोई पूछना है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं डायरेक्टली। रेखा जी ने एंड्रेज की आवाज, रेखा जी यस अनम्यूट योरसेल्फ। जय जिनेन्द्र, आज वास्तव में सेशन बहुत 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 अच्छा लगा, कई दिनों बाद जुड़ी मैं, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसे लगा कि कुछ मतलब बहुत अच्छा मिला। तो मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ, ये जो भी लिंक भेजेंगे आप वो ग्रुप पे भेज देना प्लीज। जी जी, जिनको आज का सेशन जो हुआ इसका वीडियो तो आएगा ही, और इससे पहले भी हमने जवेरी जी के 2-3 सेशन लिए हुए हैं, वो उनके वीडियो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, तो मैं पुराने जो वीडियो है उनके भी उन्हें भी आज ग्रुप में डालता हूँ वापस, और आज का वीडियो जब आ जाएगा शाम तक तो इसे जरूर देखिए, और अपने
फ्रेंड सर्कल के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट किसी को और कुछ नहीं करना हो तो हम समापन करेंगे। वेरी मच रेखा जी। उनसे सर कुछ पूछना चाहते? सदाशिव कुंशे फ्रॉम नागपुर। सदाशिव जी, सदाशिव जी हैंड राइज किया नहीं है, इसलिए मैं आपको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। नमस्कार सर जी, जो मतलब व्हाइट कलर, जो ग्रीन कलर और जो कलर के याद करके जो उसके ऊपर ध्यान करना, बहुत बढ़िया जानकारी दी सर जी ने और बहुत अच्छा लगा। ध्यान करते समय भी एकाग्रता लग रही थी और ध्यान भी अच्छा लग रहा था। बहुत सुंदर जानकारी दी थी और कुछ हेल्थ के बारे में अच्छा समझाया सर जी ने, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। थैंक यू। बोलो। जय जी। आपका सेक्शन बहुत अच्छा था और मुझे ये पूछना है हेल्थ के बारे में कि मेरा पोता और मैं दीर्घ श्वास परीक्षा करती हूँ, मेरा ब्रीथ इतना क्लियर नहीं होता है। मेरे पोते को और मुझे आस्थमा है और इतनी मेडिसिन, इतनी दवाई लेने के बाद भी क्लियर नहीं होता है। मेरा पोता 11 साल का है और मेरी एज 63 है। अभी मुझे कुछ पाँव में प्रॉब्लम हुआ तो मुझे खड़ने में भी ज्यादा टाइम नहीं खड़ पाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मेरे पाँव में ताकत नहीं है, मुझे ऐसा फील होता है। वो मुझे आपके फोन नंबर और आपके फोन नंबर मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा जी। हाँ, मेरा नंबर यहाँ पर भी लिखा है मेरे नाम के साथ। हाँ। और देखिए, श्वास लेना, दीर्घ श्वास लेना है वो उदर पटल से लेना है, डायाफ्राम मसल। हाँ। पेट अंदर बाहर होना जरूरी है। हाँ। और दूसरी बात, मेरा एक निवेदन है कि आप मेजर करो। जब हम मेजर करते हैं तो इम्प्रूव कर सकते हैं। 60 सेकंड्स, एक मिनट में कितना श्वास लिया ले लिखो। एक श्वास लिया निकाला एक, दूसरा श्वास लिया निकाला दो, यू कैन काउंट। ठीक है, और वो डायरी में लिखना कि भाई 8 जून को ये इतने श्वास हुए, 15-20 जो भी है, पॉइंट कितना है वो नहीं है, पॉइंट है वी स्टार्ट मेजरिंग एंड स्टार्ट रिड्यूसिंग। अगर 15 है तो 14 होने की कोशिश करो। ये कैसे होगा? पेट अंदर बाहर करने से। पेट अंदर बाहर करने से डायफ्राम मसल ऊपर नीचे होता है और दीर्घ श्वास हो सकता है। दीर्घ श्वास, लंबा श्वास, स्लो ब्रीदिंग, धीमे धीमे धीमे, ये प्रैक्टिस की बात है। अस्थमा की बात है, ये हमें जो मैंने ग्रीन कलर का बताया, ग्रीन कलर सेंटर ऑफ द चेस्ट, ये आप जरूर करो। और आप एक चलचित्र बनाओ कि अस्थमा ठीक हो गया है, मैं चल सकती हूँ, मेरा सब काम हो गया, सांस नहीं फूल रही, देखो बहुत अच्छे से हो रहा है। ये एक पूरा गोल की प्राप्ति हो गई है, एज अ पास्ट टेंस, आपको चलचित्र बनाना। और ये स्टेप से आप करना चाहते हो, आप वीडियो भी देख सकते हो, मेरा नंबर भी है, हम भी 1-to-1 सेशन कर सकते हैं। हाँ, मेरा पोता है ना 11 साल का, वो महीने में एक बार स्कूल नहीं जा पाता है। और ये आपने जो बोला ब्रीथिंग करो, स्लो ब्रीथिंग करना चाहिए, वो चेस्ट में ब्रीथिंग ही क्लियर नहीं होती है हमारी। जी जी, तो ये कॉम्प्लिकेटेड 2-3 चीजें साथ में हो जाती है तो विशेष सर्कल शुरू हो जाती है। इसको ब्रेक करके हमको पॉजिटिव लाना है और जरूर हो जाएगा। और 4 चीजें ध्यान में रखो, मेडिटेशन, ब्रीदिंग, डाइट, क्या खाना क्या नहीं खाना, और एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, अपनी उम्र के हिसाब से, अपने शरीर की क्षमता के हिसाब से एक्सरसाइज, 4 चीजें मिला के पूरा साइंटिफिक मेडिटेशन सिस्टम बन जाता है। वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डीप साइंस। कोरा ध्यान भी नहीं, डाइट भी देखना जरूरी है, खाने पीने की चर्या, लाइफस्टाइल, ऑल दिस पुट टुगेदर, ये आपको जरूर ठीक होगा, इसमें कोई असाध्य बात नहीं है। ठीक है सर, बहुत सुंदर जानकारी आपने दी।
तो देखिए प्रेक्षा ध्यान के अंतर्गत हम जो स्टेप जो आपने बताए स्टेप ऐसे है और भी बहुत सारे स्टेप, टोटल 15 स्टेप बताए गए हैं, 8 मुख्य अंग है, 4 सहायक अंग है और 3 अति विशिष्ट अंग बताए गए, तो 15 अंग है। तो हम 15 अंगों में जैसे आसन प्राणायाम मुद्रा ध्वनि ये सहायक अंग आ जाते हैं, बाकी 8 जो मुख्य अंग है उसके अलग अलग प्रयोग हम करते हैं। एक एक प्रयोग पे हम एक एक घंटा 45 से 48 मिनट से एक घंटा तक ध्यान करवाते हैं। तो एक टॉपिक पे एक ध्यान जैसे होता है, तो आप दीर्घ श्वास की बात कर रहे हैं तो दीर्घ श्वास पे भी हम 45 मिनट का ध्यान करते हैं। मिस्टर सुंदर फ्रॉम तमिलनाडु वांट टू से समथिंग। हाँ मिस्टर सुंदर फ्रॉम तमिलनाडु, विकास जी और विकास जी ने हैंडराइज किया हुआ है, उनको ऑप्शन दिया हुआ है। विकास जी आप बोलिए सर। सबको मेरा जय गुरु। सेवेरी सर का बहुत ही अच्छा वर्ग रहा आज का, मैं उनका स्वागत करता हूँ, साथ में राजू सर आनंदमल सर का भी स्वागत करता हूँ। मेरा प्रश्न ये है सर कि ध्यान में जब हम बैठते हैं आंखें खुली रहती तब मन में कम विचार आते, जब ध्यान के लिए के आंखें बंद करके बैठते तो बहुत ज्यादा विचार मन में आते, तो ऐसा क्यों होता है? जी हमारे मन की दो शक्ति है, विचार करने की और अनुभव करने की। जो श्वास प्रेक्षा का प्रयोग है ये हमारे मन की एकाग्रता बढ़ाती है, ये जैसे जंगली घोड़े को तालीम देते हैं ऐसे एक तालीम देने की बात है। अगर आपको आपको ऐसे अनुभव होता है आंख खुली रख के आपके विचार बंद होते हैं और आप अनुभव की शक्ति को लगा सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन डू मेडिटेशन विद ओपन आईज ऑल्सो। लेकिन पॉइंट है कि हम अनुभव की शक्ति को काम में लगाए। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ये 5 इंद्रियों को एनालाइज करता है, श्रोतेंद्रिय, चक्षुेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय, ये बहुत हो गया, तो इसको हम बाजू में रखें। इसलिए कॉन्शियस माइंड की जो हमारी जो क्षमता है इसके बजाय सबकॉन्शियस माइंड की क्षमता को बढ़ाने की बात है। इसलिए आंख बंद करके हमें यहाँ पर नाक के ऊपर ध्यान केंद्रित करके श्वास का अनुभव करके तालीम देनी है, ट्रेनिंग देनी। बराबर। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। विकास जी अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ बोलिए। हाँ जय जिनेन्द्र आनंद जी और जय जिनेन्द्र ज्योतिर्द्र जी। मेरा एक प्रश्न है, जैसे प्रेक्षा ध्यान से हम शरीर के अनेक रोगों को ठीक कर सकते हैं ये सिद्ध हो चुका, लेकिन मेरी एक पेशेंट है जो 34 साल से रूमेटॉइड आर्थराइटिस के कारण 34 साल से बेड पर है, तो उसके लिए कुछ आप मार्गदर्शन कर पाओगे सर? वो भी जैन है और उड़ीसा में रहती है वो। जरूर जी। अगेन देखिए हमारे जो शरीर में सेल्स है, ह्यूमन सेल्स, दिस ह्यूमन सेल्स आर रीजनरेटिंग। कुछ सेल्स ऐसे हैं जो एक के वीक के बाद में नए बनते हैं, कुछ सेल्स ऐसे हैं जो एक महीने के बाद में नए बनते हैं। और इसके लिए आप नोट कर लीजिए शरीर प्रेक्षा का एक प्रयोग होता है, परसेप्शन ऑफ बॉडी, और इससे हम अंदर की एक हीलिंग और एक क्योरिंग एनर्जी है उसको काम पे लगाते। अगर जो शरीर के जो भाग में हमारे जैसे आपने बताया आर्थराइटिस है जो भी है वहां पर ध्यान केंद्रित करना है, जहां चित्त जाएगा वहां प्राण शक्ति जाएगी। द वाइटल फोर्स इज अवेलेबल वेर एवर यू गेट कॉन्सेंट्रेटेड, और दैट प्राण शक्ति जो है वो हमारा इंटरनल डॉक्टर है जी। वो डॉक्टर को पता है क्या करना है, उसको मौका देना पड़ेगा, उसको उसको चांस दे दो भैया ये ठीक करो। द हीलिंग एंड क्योरिंग एनर्जी इज अवेलेबल विथ वाइटल फोर्स, प्राण शक्ति को काम पे लगाओ और वो हो सकता है। एक और बात है
जितनी बीमारी पुरानी होती है इतनी अंदर जड़ पकड़ लेती है, तो उतना ही हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। दैट मीन्स जितनी जल्दी हम करें इतना अच्छा है, इसको आप पोस्टपोन मत करो। ये मेडिटेशन जो सिस्टम है ये जितना जल्दी होगा इतना अच्छा है, क्योंकि हमारे भीतर शरीर की पूरी रचना है स्वस्थ रहने की, और इसको हमें यूज करना है ये ध्यान द्वारा। सर कभी मौका मिलेगा तो मैं आपकी उससे बात कराऊंगा और आप थोड़ा और अच्छे से उसको गाइड कर सकते हो। जरूर। थैंक यू सर। थैंक यू Jayantra, after 21 days, I think we are seeing in person. I think we are speaking after Jaipur conclave. Yes, we met in Jaipur, Sundarji. Yeah, thank you very much for the host and the co-hosts to give this great opportunity to see you all and to speak with the Jumi. Actually, your meditation, actually you are given all the physical things in the format one by one, like relaxation, everything, mental, physical, how and everything you are made it in. Actually, you are given the your speech and everything. Okay. We understood very, very much. And then if it can we get this actually 15 minutes like that with this speech and everything, and then balance some 45 minutes as a meditation. Can we do that? Yes, we can plan some program like that for more practical session you are talking about. Yes. You can also organize and in your group and arrange. I will be very happy to come on Zoom and. But this time I had experienced a very good session, and thank you very much for the host and co-host. And thank then you. We will be in touch with you. Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच। देखिए समय हमारा हो चुका है बिमला जी, मैं आखिरी में आपको ले रहा हूँ अभी, बिमला जी जैन, इसके बाद हम समापन की ओर चलेंगे। बिमला जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट हो। यस। जय जिनेन्द्र। नमस्कार सर। सर मैं ध्यान करना चाहती हूँ पर मेरे से ध्यान नहीं होता, मतलब मेरी इच्छा वहां पे नहीं जाती है। एक वो जैसे एक हट हो गया है कि हट प्रकार की, मुझे ध्यान नहीं करना, और मुझे मतलब बहुत आवश्यकता है ध्यान की, तो मैं कैसे उसको अपने आपको बदलूं कि मैं ध्यान की तरफ जाऊं। जी देखिए, एक तो है अनुलोम विलोम, ऑल्टरनेट ब्रीदिंग। विमला जी ऑल्टरनेट ब्रीदिंग, राइट से श्वास लेना है, लेफ्ट से निकालना है, लेफ्ट से लेना है, राइट से निकालना है, ये तो कर सकते हो। अनम्यूट कीजिए। ये एक बात हो गई ऑल्टरनेट ब्रीदिंग, इससे क्या होगा, हमारी जो लाइक और डिसलाइक है ये कम हो जाएगी, हम तटस्थ भाव से रहना सीख जाएंगे। You need to learn to be neutral. Every time we attach, ये अच्छा है ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है अच्छा नहीं है, ये materialistic में ही हम सुख देख रहे हैं। तो इसका सचोट उपाय है अनुलोम विलोम, ताकि आपके जो अभी बाधा आ रही है, आपने बोला ध्यान नहीं हो रहा है आंख बंद करके बैठ के, तो ये आपके कंट्रोल में आएगा। ब्रीदिंग इज द बेस्ट वे टू कंट्रोल योर इमोशंस सर। दूसरी बात है, लेट मी फिनिश, दूसरी बात है आपको गोल बनाना पड़ेगा, आप ध्यान क्यों करना चाहते हो वो आप अच्छे से लिखो। अगर मकसद है, कोई पर्पस है, तो हम इसको और अच्छे से करेंगे। दिन में 24 घंटा है सबके पास, मेरे पास, आपके पास, सबके पास, लेकिन ये क्या करना है उसके लिए ड्राइव होनी चाहिए। हाँ यार मेरे को ये चाहिए, ये मेरा पर्पस है। आपका कोई भी गोल हो सकता है, मटेरियलिस्टिक गोल हो सकता है, मेरे पास बड़ी कार हो, गोल लिखो, उसकी मूवी बनाओ, लेकिन ये स्टेप्स जो मैंने बताए, ये स्टेप्स करना जरूरी है। फॉलो द 11 स्टेप्स इन दिस सीक्वेंस, यू विल बी एबल टू डू इट। ये सब
साधना की बात है, प्रैक्टिस की बात है। छोटा बच्चा साइकिल पे बैठता है ना तो दो पहिए हम लगा देते हैं ताकि गिरे नहीं, प्रैक्टिस करने के बाद वो पहिए निकाल देंगे, बैलेंस करना सीख जाए। ठीक है विमला जी? सर ऐसे मतलब अनुलोम विलोम, ये मेरे मुझे इच्छा है, मुझे अच्छा लगता है ध्यान करना, पर जो ये जो मैं करना हट है एक प्रकार से मेरे की, भाई मेरे अपने विरुद्ध जाती हूँ, मेरे ऐसा हो जाता है कि मैं ध्यान ही नहीं कर सकती, कि मुझे नहीं करना, ये दोनों ही बातें साथ में चलती, अनुलोम विलोम करती हूँ कैसे कैसे अपने आप को करके दो चार दिन चलाती हूँ, उसके बाद में मुझसे आगे बस होता ही नहीं। यू नीड इनर ड्राइव, यू नीड अ पर्पस टू डू एवरीथिंग। पर्पस अब कैसा, क्या पर्पस? पर्पस लिखो आप एक बार सोच के पर्पस लिखो, क्या क्या करना चाहते हो आप, क्या चाहते हो, है ना? हम वन टू वन भी आगे बात कर सकते हैं। हम चाहेंगे आपसे दोबारा सेशन लेना चाहेंगे जिसमें हम प्रैक्टिकल के ऊपर ज्यादा लंबा समय थोड़ा लेना चाहेंगे। प्रैक्टिकल में आज हमने इसकी थ्योरी समझी, प्रैक्टिकल के लिए हमें एक सेशन और लेना है। और जैसा कि मैंने अनुभव किया है, महाप्राण ध्वनि एक बहुत ही चमत्कारिक ध्वनि, महाप्राण ध्वनि हमें गुरुदेव ने बताई है और ये बहुत इजी है, हर कोई छोटा बच्चा से लेके बूढ़ा 100 साल का व्यक्ति भी कर सकता है और 5 साल का बच्चा भी कर सकता है। आप उनको सिखाओगे तो आप घर पे अपने फैमिली के साथ में शाम को बैठिए, सब जब इकट्ठे हो जाते हो और सामूहिक रूप से महाप्राण ध्वनि कीजिए। महाप्राण ध्वनि करने से हमारा श्वास भी लंबा होता है, एकाग्रता बढ़ती है, हमारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है और बच्चों का मेमोरी पावर उससे बहुत शार्प होता है। हमने अपने घर पे प्रयोग किया हुआ है, हम 5-6 मेंबर साथ में बैठते हैं और कंपटीशन करते हैं भी लंबा, सबसे लंबा महाप्राण ध्वनि किसका होता है, एक कंपटीशन टाइप का आप रखिए तो बच्चे भी आपके साथ जुड़ेंगे और आपको आनंद भी आएगा। और प्रैक्टिकल आप करके देखिए महाप्राण ध्वनि, इसका बहुत फायदा है महाप्राण ध्वनि के। उसके ऊपर मेरा एक छोटा सा वीडियो भी बना हुआ है, मैं आज ग्रुप में डालता हूँ, महाप्राण ध्वनि किस तरह से हमारे शरीर के अंदर चेंजिंग लेके आती है, बहुत शानदार तरीके से उसमें बताया गया है, साइंटिफिक तरीके से बिल्कुल बताया गया है। उस वीडियो को मैं आज शेयर करता हूँ, आपके सभी उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अभी हम समापन की ओर चले, दोनों हाथ जोड़ते हुए, धन्यवाद, हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, सभी मेरे साथ साथ मानसिक रूप से उच्चारण करें, मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है, इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं, कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं।